हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नया क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन था ये इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, जो आपका महेंद्रगिरी तमिलनाडु पे है, ये TN में। ओके, तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम कंडक्ट 22/4/2018 में हुआ था। ये सब मेंशन है यहाँ पे, और कितने टाइम था, कितना क्वेश्चन था यहाँ पे, 60 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क 180 था। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये था बेसिकली इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन बी के लिए है। सो इसरो का एग्ज़ाम हर साल ऐसे होते ही रहते हैं, सो प्रिपरेशन में कंटिन्यूसली करते रहें। और चलो डायरेक्टली हम सवाल के पास चलते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, मल्टीपल आंसर्स फॉर ए क्वेश्चन विल बी रिगार्डेड एज ए रॉन्ग आंसर। अगर आप मल्टीपल आंसर्स दे देते हैं एक क्वेश्चन के अगेंस्ट पे, तो आपको उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो चलो पहला सवाल के पास चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ ओके, द डिरेक्शन ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय। हम सबको पता है कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो बेसिकली DC जनरेटर में होता है, क्योंकि DC जनरेटर में ही EMF इंड्यूस होता है। और वो कौन सा डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एंड जो मोटर होता है, मोटर का अगर डायरेक्शन चेक करनी है तुमको, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होता है इन केसेस ऑफ मोटर। लेकिन यहाँ पे क्या आंसर होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और आंसर कहाँ पे है, सी पे। चलो आगे चलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, बहुत आसान सवाल है, हेनरी होते ही। सो नेक्स्ट चलते आगे चलते हैं। व्हिच डिवाइस स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ये सबको पता है, दिस इज कैपेसिटर। बेसिकली अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम स्टोर करते हैं, दैट इज बैटरी, बट यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन है नहीं, बट कैपेसिटर कुछ टाइम के लिए एनर्जी स्टोर करता है, सो आंसर होगा कैपेसिटर। द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ इज, हम सबको पता है फ्रेंड्स ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ ये होता है कि द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रिमेनिंग द टेम्परेचर एंड द अदर कंडीशंस ऑफ दैट मटेरियल रिमेंस कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स टेम्परेचर इसका हमेशा कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, सो आंसर होगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, फ्रेंड्स ये सिंपल सबको पता है, जो इलेक्ट्रिकल पावर तीन टाइप का होता है, कि एक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर होता है, यानी अपारेंट पावर होता है। जो रिएक्टिव पावर वो बेसिकली ड्रॉ किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट से, एंड इसका यूनिट है VAR। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ए वोल्टेज ऑफ 20 volt इज इंड्यूस्ड इन ए कोयल व्हेन द करेंट थ्रू इट चेंजेस फ्रॉम 10 amps टू 20 amps इन 5 seconds, फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। हमारा यहाँ पे सवाल ये बोला है कि कुंडली में अगर 20 वोल्ट का वोल्टता की प्रेरित करते हैं, यानी 20 वोल्टेज अगर अप्लाइड करते हैं, एंड उसमें एक कॉयल है, एंड कॉयल के थ्रू करंट चेंजेस हो रहा है 10 एम्प्स टू 20 एम्प्स तक, यानी करंट कितना चेंज हुआ, 10 एम्प्स करंट चेंज हुआ। ओके, और टाइम कितना है, 5 सेकेंड। सो हमको पता है कि जो EMF इक्वेशन होता है LdIdt, सो DI में आपको 10 पुट करना है और DT में 5 पुट करनी है, और कितना आएगा आंसर, 2 आएगा, अगर इसको काटेंगे तो 2 आएगा। सो यहाँ पे मैं लिखाता हूँ, हमारा टोटल वोल्टेज कितना था, 20 था, सो 20 इक्वल्स टू L इंटू 2, सो L होगा कितना, 10 होगा, 10 क्या होगा, हेनरी। सो आंसर क्या आएगा, 10 हेनरी B। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इन सिंगल फेज AC मोटर दैट कंडेंसर इज यूज फॉर, बहुत आसान सवाल है, कंडेंसर किसके लिए यूज होता है, टू स्प्लिटिंग द फेज, दैट्स व्हाई, क्योंकि हमको अगर कोई भी मोटर को घुमानी है तो हमको क्या करना है, 180 डिग्री फेज एंगल फॉर्म करनी पड़ती है, सॉरी 120 डिग्री, बट यहाँ पे क्या करना पड़ गया, तो हमको यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है तो मोटर घूमेगा नहीं, तो इसलिए उसको स्प्लिट करना पड़ता है बाय द यूज़ ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर। नेक्स्ट है, ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी एन इंसुलेटर होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल पास चलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज मेजर्ड इन एम्पियर आवर, आंसर कहाँ पे है, डी पे है।
Which one of the following instrument is used for measuring specific gravity of electrolyte? बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको मेज़र कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, सबको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है द डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। ओके, 6 1.5 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सो जितना ही वोल्टेज उतना ही वोल्टेज स्टेबल रहेगा, बट करंट का कैपेसिटी बढ़ता है, सो आंसर होगा वही 1.5। ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कहाँ पे है देख लो, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। चलो आगे बढ़ते हैं। जो फ्रेंड्स डायरेक्ट सवाल है तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो जो प्रॉब्लम आएगा तो तुम्हारा टाइम बहुत शॉर्ट पड़ जाएगा। द कलर ऑफ फ्रेश डाइलेक्ट्रिक ऑयल ऑफ फॉर ट्रांसफार्मर इज कलरलेस होती है ये। नेक्स्ट, मोस्ट सुइटेबल मोटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ये डीसी सीरीज मोटर है, बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट सवाल है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग एनी आइदर बाय फील्ड और बाय आर्मेचर। आंसर डी। इन अ डीसी जनरेटर व्हिच पार्ट विल कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, दिस इज कम्यूटेटर। स्टार्टर कोर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टम्पिंग्स, ये सबको पता है सिलिकॉन स्टील जो होता है वो सबको ऐसे ऐसे करके एक स्टम्पिंग किया जाता है इस तरफ एंड इस तरफ, बहुत आसान तरीके से। द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज नोन एज स्लिप। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, ns माइनस nr अपॉन ns। ये हो गया सिंक्रोनस स्पीड, ये हो गया रोटर स्पीड। तो स्टार्टिंग टाइम में स्लिप क्या होता है, वन होता है, क्योंकि एनआर नहीं रहता है इसलिए स्टार्टिंग केसेस में स्लिप वैल्यू वन होता है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल है सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस कैपेसिटर व्हेन इट इज ओवर एक्साइटेड, डायरेक्ट सवाल है फ्रेंड्स। चलो, कंटिन्यूटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजुअली चेक्ड इन ओमीटर, मेगर भी हो सकता है बट मेगर बेसिकली जो राइट आंसर होगा वो होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। द एक्सपांसन ऑफ MCCB मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, डायरेक्ट सवाल है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मीडियम वोल्टेज 650 वोल्ट, बहुत आसान सवाल है। लैम्प्स इन स्ट्रीट लाइटिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सारा लैम्प हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है लेकिन जो डेकोरेशन पर्पज में जो लाइट आता है वो सीरीज में हो सकती है। व्हिच वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग LED, बहुत आसान सवाल है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर लिमिट ऑफ क्लास H इंसुलेटिंग मेटेरियल इज 180 डिग्री, फ्रेंड्स हम सबको पता है कितने टाइप का होता है, YAEBFHC, इतने टाइप को आपको याद रखनी है। यहाँ से शुरू करो, 90 है, ये 15 बढ़ा दो 105, ये फिर है 120 135, F है आपका 150 एंड H होगा 180, ऐसे करके आपको याद रखनी है। नॉमिनल डायमीटर ऑफ 16 SWG OR इन MM 1.6 मीटर, बहुत ईजी सवाल है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन हीटिंग एलिमेंट ऑफ 1000 वाट्स 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक केटल, R इक्वल्स टू V² / W, फार्मूला डालो और आंसर आसान तरीके से निकालो, आंसर क्या होगा, 28 नंबर का आंसर D होगा। ओके फ्रेंड्स, करके देख लेना। 3 कैपेसिटेंस ऑफ 10 μF ईच कनेक्टेड इन पैरेलल, फ्रेंड्स बहुत ईजी सवाल है। कैपेसिटर एंड रजिस्टर बोथ आर अपोजिट टू इच अदर, कैपेसिटर का पैरेलल का एक फार्मूला जो होता है वो रजिस्टर का सीरीज के बराबर है, सो अगर सीरीज करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, 29A। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल, निकल आयरन, डायरेक्ट सवाल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज सेल B15 1265, ये आपको देख लेना, फुली चार्ज हाफ चार्ज डिस्चार्ज केसेस में क्या क्या रहता है, बैटरी साइलेंट बैटरी चैप्टर थोड़ा और एक बार रट्टा लेना। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन ए लीड एसिड बैटरी, लीड एसिड बैटरी में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी एक है कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब क्या होता है, इसमें वाटर मिक्स्ड रहता है। ओके, एंड लीड एंड वाटर बोथ आर मिक्स्ड, बट कंसनट्रेटेड में क्या होता है, आइदर
एसिड वो पूरा प्यूरिफाइड फॉर्म में रहेगा या फिर उसमें मिक्स ही नहीं रहता है वाटर। सो हम जो यूज करते हैं वो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये आंसर होगा। 33, 100 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच हैविंग 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाउ मच करंट विल फ्लो इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 40 ओम। फ्रेंड्स, बैटरी का करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं भी लिखा बट आप ई भी लिख सकते हो, यहाँ पे ई लिखा जाता है ई, क्योंकि ई एम एफ है, आर प्लस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसे फॉर्मूला बराबर डाल दो और यहाँ पे बोला है 1.5 वोल्ट ईच हैविंग 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कितना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, 100 इंटू 1 100 होगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 40 आएगा। सो ई कितना है, 100 सेल अगर 1.5 वोल्ट का होगा तो ई होगा 150 डिवाइडेड बाय 140, आंसर 1 के बराबर आएगा। व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन, डीसी शंट मोटर, बहुत आसान सवाल है ये। एन एसी वोल्टेज हैज एन आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ 200 वोल्ट्स एंड 150 वोल्ट, आरएमएस दिया है 200, एवरेज दिया है 150, मांगा है क्या, फॉर्म फैक्टर मांगा है, पुट करो सीधा आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, 200 अपॉन 150 कितना आएगा, 35 पेंस सी आएगा बराबर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, यानी करंट का स्क्वायर होता है। सो 36 का बी होगा। 37, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, एसी सर्किट का पावर फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस फाई इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के वी, ए कहाँ पे देख लो, ए में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे एडी करंट लॉस। ओके फ्रेंड्स, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ई, डब्ल्यू फॉर वाट एंड ई फॉर एडी करंट, फॉर्मूला होता है के ई एफ स्क्वायर, के स्क्वायर, के एफ स्क्वायर एंड बी एम स्क्वायर वाट। के ई हो जाएगा एडी करंट कांस्टेंट, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज फॉर्म फैक्टर, दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। सो एफ स्क्वायर के साथ, यानी एफ के साथ स्क्वायर में है, कौन सा लॉस है, एडी करंट लॉस। ओके नेक्स्ट फ्रेंड, एक दिया है ट्रांसफार्मर ऑफ 4000 अपॉन 400 वोल्ट, 100 के वी रेटिंग है और इसका टर्न्स सेकेंडरी में दिया है 1000 एंड प्राइमरी मांगा है। सिंपल फ्रेंड्स, आपको ई टू अपॉन ई वन इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन में पुट करो और फार्मूला निकाल दो, फार्मूला बोल रहा हूँ, आंसर निकालो आसान तरीके पर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो आंसर की दिया है, यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, आपको निकाल लेना है जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से पुट करके। 40 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा देख लेना इसको। नेक्स्ट है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय लैंप ऑफ 100 वाट टू 30 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई फॉर 10 आवर्स, सिंपल फ्रेंड्स, इक्वल्स टू पी आई टी, सॉरी पी वी आई टी, वोल्टेज है, करंट है एंड टाइम है, तीनों को मल्टीप्लाई करो निकालो, इसका आंसर आएगा 41 का बी आएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको निकाल देना। परमिटिविटी ऑफ एयर डायरेक्ट सवाल है, 8.85 × 10⁻¹² फॉरवर्ड पर मीटर, बहुत डायरेक्ट सवाल है ये। इन व्हिच टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम, वो पूछा है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो रॉ मटेरियल्स, किस में मिनिमम लगता है, हाइड्रोलिटिक में, क्योंकि सारा तो वहीं पर मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, याद रखनी है, तारापुर महाराष्ट्र में। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, दिस इज CO2। करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट हमेशा लैग करेगा वोल्टेज को। फेरेंट इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, ये फ्रेंड्स एक्चुअल आंसर इसका जो नो लोड लाइन होता है, क्योंकि क्या होता है जब लाइन लोड पे नहीं रहता है, यानी जो प्राइमरी हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडरी साइड में क्या होता है, लोड नहीं रहने की वजह से थोड़ा वोल्टेज बढ़ जाता है, यानी जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो हमेशा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, दिस इज फेरेंट इफेक्ट बोला जाता है। बट यहाँ पे इसरो ने सी ऑप्शन दिया है, बट मेरे हिसाब से ये आंसर बी होगा। सो थोड़ा केयरफुली देख लेना इसका, थोड़ा सा सही से समझ के। डिक्लेयर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एच पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ये प्लस माइनस 3% एंड 50 हर्ज, इसमें दिक्कत वाली बात कुछ है ही नहीं।
Minimum horizontal clearance is to be maintained from the nearest point of any building to low voltage and medium voltage overhead line is 1.2 meter. इसका क्या पूछा है फ्रेंड्स? मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है एंड एक लो वोल्टेज मीडियम एंड वोल्टेज, यहाँ पे मान लो ये पूरा स्ट्रीट है और यहाँ पे बिल्डिंग है. अगर कोई वोल्टेज का लाइन का वायर यहाँ पे खींचते हैं ना, तो ये इतना डिस्टेंस 1.2 रहनी चाहिए मिनिमम क्लियरेंस. लीकेज करेंट ऑफ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB फॉर हाउस वायरिंग शैल बी 30 mA. ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इजी सवाल था. एक्सपांसन ऑफ HRC फ्यूज इज हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, सही है ना, 51 का डी हाई रैप्चरिंग बी है. ओके फ्रेंड्स, ए वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है. फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल. मटेरियल हम सेम रखेंगे लेकिन अब पूछा है क्या रेजिस्टेंस हैविंग ट्वाइस द लेंथ एंड टू टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. फ्रेंड्स, आर का फॉर्मूला क्या है बताओ? रो एल अपॉन ए. पहला में आर को बदले हम लिखेंगे कितना, 10 लिखेंगे, और दूसरा में एल को 2 करेंगे एंड एरिया को भी 2 टाइम्स करेंगे. अगर 2 काट देंगे तो वही 10 ही रहेगा. सो 200 आएगा आंसर, देख लेना एक बार. इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, क्योंकि स्टार्टिंग टर्क का फॉर्मूला क्या होता है, KSE² अपॉन R² प्लस SE² का रूट ओवर. सो एस वी ई के साथ क्या होता है, बराबर स्क्वायर होता है. सो आंसर वी स्क्वायर आएगा. नेक्स्ट वन, टीन एंड लीड आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 60:42 मेक सोल्डर. हाउ मच क्वांटिटी ईच इज यूज टू मेक 5 kg ऑफ सोल्डर. आप चाहे 5 kg यूज करो या कुछ भी यूज करो, बट 60:40 को काट दो कितना आएगा आंसर, 3:2 आएगा. 60 अपॉन 40. ओके, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज प्रीफर्ड ओवर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग में हमको हाई स्टार्टिंग टर्क है, लो टर्क भी हैवी है, पुल आउट टर्क भी हैवी चाहिए. सो आंसर डी होगा. ई पी इज द पावर ऑफ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, व्हाट इज द पावर ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम. पी तो पी वही तो कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंजेस होगा ही नहीं. ट्रांसफार्मर टैंक इज नॉट फिल्ड विथ वाटर बिकॉज. ऑयल क्यों नहीं फिल किया जाता है, क्योंकि ऑयल इज नॉट एन इंसुलेटर, बैड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी. ओके फ्रेंड्स, बी आंसर होगा. पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव लोड. प्योर रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर यूनिटी होता है. बहुत आसान सवाल है फ्रेंड्स. आर्मोरिंग इज प्रोवाइडेड इन ए केबल. केबल में आर्मोरिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिपेंड्स ऑन. इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? XL इक्वल्स टू 2πfL. फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा एंड इंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. सो आंसर आएगा डी. सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना. थैंक यू फ्रेंड्स.